हेलो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 76% से भी ज़्यादा लोग जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम और फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ अपलोड करें, तो प्लीज़ स्कैरी फ्लिक चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज के खत्म होने से पहले अगर हम 50 के सब्सक्राइबर रीच करते हैं तो हम कुछ लकी सब्सक्राइबर्स को गिव अवेज देंगे। तो अगर आपने अब तक स्कैरी फ्लिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं आपको इस स्टोरी के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। ये स्टोरी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी है और इस स्टोरी के 6 से 7 पार्ट्स हो सकते हैं, तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट्स जल्द से जल्द देखने हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इतना अंधेरा थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ? हेलो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज सर, मुझे जाने दो प्लीज। कोई जवाब नहीं आया, शायद मेरे सिवा वहाँ कोई था भी नहीं। मैं यहाँ कैसे आया? ये सब क्या हो रहा है? मेरे सिर में ये दर्द, ओ गॉड, प्लीज मेरी मदद करो। ओ वेट, मुझे पता है। मेरा फोन सुबह सुबह बजा, संडे सुबह 7 बजे। कौन हो सकता है ये जो संडे को इतनी सुबह कॉल कर रहा है? मैंने फोन का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर से फोन बजा। इस बार मेरा रूममेट श्रेय, जो अभी भी नींद में था, उसने मुझे फोन उठाने कहा ताकि फोन करने वाला हमारी नींद खराब ना करे। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हें पता है ना आज संडे है। मैं माफी चाहता हूँ सर, पर क्या मैं मिस्टर राकेश से बात कर रहा हूँ? फोन करने वाले ने पूछा। हाँ, आप कौन? सर, क्या आपको आपके फ्रेंड तन्मय के बारे में कुछ पता है? उस आदमी ने मुझसे पूछा। हाँ बिल्कुल, वो गधा है, इडियट है, सब कुछ पता है मुझे। तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ, मैंने थोड़ा गुस्से से कहा। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उसे कॉल करें सर। उस आदमी का इतना कहते ही कॉल कट हो गया। श्रेय ने मुझे कॉल के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि कोई आदमी था जो तन्मय के बारे में पूछ रहा था, मैं उसे दोपहर को कॉल कर लूंगा। फोन रखकर मैं और श्रेय फिर से सो गए। दोपहर को मैंने तन्मय को कॉल किया। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. पर उसका फोन स्विच्ड ऑफ था, तो मैं अपना संडे रूटीन करने लगा जो कि बस सोना ही था। श्रेय दोपहर से ही बाहर था। जब वो वापस आया तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने तन्मय को कॉल किया था या नहीं। मैंने कॉल किया था, पर उसका फोन स्विच्ड ऑफ है यार, मैंने श्रेय से कहा। क्या तूने फिर से ट्राई किया? श्रेय ने पूछा। ना, आज संडे है, सो रहा होगा वो भी, मैंने हंसते हुए कहा। हम दोनों हंसने लगे और फिर श्रेय ने तन्मय को कॉल करने का ट्राई किया। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. पर उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ ही था। उसने दोबारा ट्राई किया। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. पर अभी भी फोन बंद ही था। सो हमने सोचा कि थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे। डिनर के बाद मैंने तन्मय को फिर से कॉल किया। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. पर उसका फोन अभी भी स्विच्ड ऑफ ही था। तो मैंने डिसाइड किया कि उसके लैंडलाइन पे कॉल करूं, जो कि उसके घर का नंबर था। उसके माँ ने फोन उठाया। हेलो आंटी, मैं राकेश बोल रहा हूँ, कैसे हो आप? हेलो राकेश बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो और श्रेय कैसा है? तन्मय की माँ ने पूछा। हम दोनों ठीक है आंटी, क्या तन्मय घर पे है?
मैंने पूछा। नहीं बेटा, मुझे लगा वो तुम लोगों के साथ ही है पूरे दिन से, तन्मय की माँ ने कहा। नहीं आंटी, मैं तो उसे दोपहर से कॉल लगा रहा हूं पर उसका फोन स्विच ऑफ है, मैंने कंफ्यूज होकर कहा। मुझे तो घबराहट हो रही है, रुको मैं कुछ कॉल करके तुम्हें दोबारा फोन करती हूँ, तन्मय की माँ ने घबराते हुए कहा। कुछ देर बाद तन्मय की माँ का फिर से कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि उनके रिलेटिव्स में किसी ने तन्मय को सुबह से नहीं देखा और ना ही उनके सोसाइटी में किसी को पता है कि तन्मय कहाँ है। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स को कॉल करके तन्मय के बारे में पता लगाए। मैंने बात मानी और उन्हें थोड़ी देर बाद कॉल करके बताने का प्रॉमिस किया। मैंने हर किसी को कॉल किया जो हमारे फ्रेंड सर्कल में था, पर किसी को कोई आइडिया नहीं था कि तन्मय कहाँ हो सकता है। मुझे अब थोड़ी टेंशन होने लगी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि जिस नंबर से मुझे सुबह कॉल आया था उस नंबर पे कॉल करूं। मैंने बहुत ट्राई किया पर किसी ने फोन नहीं उठाया। मैं बार बार ट्राई करता रहा पर हर बार बस रिंग बजती रही और किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ 5 मिनट बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो मिस्टर राकेश, मुझे पता चला कि आप मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम वही हो जिससे मैंने सुबह बात की थी, मैंने पूछा। जी सर, तो क्या आपको तन्मय के बारे में कुछ पता चला, उस आदमी ने पूछा। देखो अगर ये किसी किस्म का मजाक है तो प्लीज बंद करो, तुमने मजा ले लिया, अब मुझे बताओ कि तन्मय कहाँ है। हम सब काफी चिंतित है उसे लेकर। बिल्कुल आप टेंशन में हैं, आपको मेरी बात पहले ही सुन लेनी चाहिए थी, उस आदमी ने कहा। प्लीज सर, आप जो भी हो, मैं हाथ जोड़ के पूछता हूँ, बता दो कि ये सिर्फ एक मजाक है, मैंने घबराते हुए कहा। ये कोई मजाक नहीं है मेरे दोस्त, मैं चाहूंगा कि तुम एक बार अपने घर के पास वाले पब्लिक गार्डन में जाओ। इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। मैंने श्रेय को सब कुछ बताया। मैं और श्रेय दोनों गार्डन पहुंचे पर वहां कोई नहीं था, पर हमें तन्मय की चिंता हो रही थी तो हम कुछ देर वहां वेट करने लगे कि शायद कोई थोड़ी देर में वहां आ जाए। करीब 1 घंटे बाद हमने सोचा कि पक्का कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, तो हमने डिसाइड किया कि घर जाकर तन्मय की माँ को कॉल लगाकर पूछे कि उनको कुछ पता चला या नहीं। हम बस गार्डन छोड़कर जा ही रहे थे कि तभी श्रेय ने मुझसे कहा कि वो एक आखिरी बार पूरा गार्डन देख के आएगा। मैं वही खड़ा था कि मैंने एक जोरों की चीख सुनी जो कि श्रेय की थी। राकेश यहाँ देखो, प्लीज जो मैं सोच रहा हूं वो ना हो, प्लीज गॉड वो ना हो, श्रेय ने रोते हुए कहा। मैं भागता हुआ उसके पास गया, वहां झाड़ियों के बीच खून निकल रहा था। श्रेय काफी डर चुका था और मैं भी, मेरा दिमाग मानो काम करना बंद कर चुका था। श्रेय की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड भी वहां आ गया और उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस के आने से पहले तक हम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो झाड़ियों के पीछे देख सके। पुलिस वहां आई और उन्होंने झाड़ियों से बॉडी निकाली, वो तन्मय ही था। हम रोने लगे। पुलिस ने हमसे पूछा कि क्या हमें पता है कि क्या हुआ था, और हमें कुछ नहीं पता था। उसके बाद पुलिस हमें बॉडी के पास ले गए। तन्मय के फेस को देख श्रेय जमीन पर गिर गया और रोने लगा। मैं बस वहां एक स्टैच्यू की तरह जम सा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। इंस्पेक्टर मेरे पास आए और मुझसे सवाल करने लगे। तुम इस लड़के को जानते हो है ना, इंस्पेक्टर ने पूछा। मैंने इंस्पेक्टर को तन्मय के बारे में और जो कॉल मुझे सुबह सुबह आया था उसके बारे में सब कुछ बताया। इंस्पेक्टर ने तन्मय की फैमिली को कॉल करके बुलाया और जब उसकी फैमिली वहां पहुंची तो इंस्पेक्टर ने
उन्हें सब कुछ बताया। तन्मय की माँ ने मेरी ओर गुस्से से देखते हुए कहा, कैसे दोस्त हो तुम? तुमने ही तन्मय को मारा है, तुम ही मेरे बेटे के हत्यारे हो। इंस्पेक्टर प्लीज इस लड़के को अरेस्ट कर लीजिए, यही कातिल है, कातिल है ये। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।